हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECI हंगरी T10 2024 के जो सीरीज चल रही है इसके सातवें मैच और आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा चेजिया और सामने वाली टीम है हंगरी, ठीक है। चेजिया और हंगरी के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 2:30 बजे स्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 28 जुलाई 2024। आज की ये वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो GB ओवल जॉडली गेट हंगरी में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 120 से लेकर 130 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस वेन्यू पर 5 मैच कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें से 1 मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और 4 मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। यानी बैटिंग सेकंड वाली को इस वेन्यू पर अच्छी खासी एडवांटेज है, ठीक है। वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीमों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हो जावे और इस टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस आपको पता पड़ जावे, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड तो सारे वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा ECI की कोई भी सीरीज होती है तो हम उसको पूरी तरह से कवर करते हैं। दिन के 5 मैच होते हैं, हम 5 के वीडियो बनाते हैं और सीरीज में अगर 60 मैच होएंगे तो 60 के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और कल से भी एक नई T10 की सीरीज स्टार्ट हो रही है बुल्गारिया की, तो उसको भी हम पूरी तरह से कवर करेंगे। दिन के 5 मैचों को कवर करेंगे और पूरी सीरीज को कवर करेंगे और ऐसे कैसे स्टेट्स वाइज हम उनके स्टेट्स आपको बताएंगे, तो आपको अच्छी खासी हेल्प हो सकती है हमारे चैनल के साथ जुड़ने से। पहले बात करते हैं पहले टीम चेजिया की, जिसके इस टूर्नामेंट में 3 मैच हुए हैं। 2 मैच इनकी टीम जीती है और 1 मैच इनकी टीम हारी है। 0 लिखा हुआ है, 1 मैच हारी है, ठीक है। लास्ट मैच जो खेला गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है साजिब भुयान, जिसने 3 मैच में 117 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। बैटिंग के साथ साथ आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी भी दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैच में इसने 100 रन मारे थे, उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बहुत अच्छा चॉइस है। इसके बाद है सभावान दवजी, 3 मैच में 55 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। उसके बाद है ऋतिक तोमर, 3 मैच में 57 रन। उसके बाद है देवेंद्र सिंह, 3 मैच में 63 रन। इसके बाद है मार्टिन वंडल, जिसने 1 मैच खेला था लास्ट वाला जिसमें 28 रन बनाए। तो यहाँ से मार्टिन वंडल, देवेंद्र सिंह, ऋतिक तोमर और सभावान दवजी में से 4 प्लेयर में से आपको 2 प्लेयर लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्लेयर साहिल ग्रोवर की, जिसने 3 मैच में 27 रन बनाए, कुछ खास बैटिंग नहीं करी। उसके बाद है डेल स्टैन, 3 मैच में 45 रन बनाए। अगर ओपनिंग करेगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है रियाज अफरीदी, 3 मैच में 18 रन, 6 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट। बॉलिंग कंफर्म करा रहा है स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स में। इस प्लेयर को भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अभी तक विकेट मिले नहीं है लेकिन किसी ना किसी मैच में इसको अच्छे खासे विकेट मिल जाएंगे। इसके बाद है नीरज त्यागी, जिसने 1 मैच खेला था, 1 ओवर की गेंदबाजी कराई, विकेटलेस गया। ओवरऑल रिकॉर्ड इसका देखें तो 70 मैच में 121 रन है, 122 ओवर की गेंदबाजी, 41 विकेट। बॉलिंग कंफर्म कराता है। उसके बाद है अब्दुल फहद, जिसने 3 मैच में 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। बहुत अच्छा बॉलर और विकेट टेकर बॉलर और विकेट लेके भी जा रहा है इस टूर्नामेंट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सुभांशु चौधरी, जो स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करवा रहा है, 3 मैच में 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया। इंपॉर्टेंट साबित होगा अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है इस टीम की, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है सुभांशु चौधरी, अब्दुल फहद और रियाज अफरीदी में से किसी 2 प्लेयर को आपको लेना है, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन में डेल स्टैन है, साहिल ग्रोवर है, मार्टिन वेंडल है, देवेंद्र सिंह है, ऋतिक तोमर, सभावान दवजी, ये 5 प्लेयरों में से कम 2 से 3 प्लेयर इस टीम के लेने हैं और सुजीत भुयान आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। बात करते हैं बेंच की तरफ से, कोई सा भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बात करते हैं दूसरी टीम हंगरी की, जिसके इस टूर्नामेंट में 4 मैच हुए हैं, 3 मैच इनकी टीम जीती है और मात्र 1 मैच इनकी टीम हारी है। अच्छी टीम है और अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया कर रही है। लास्ट मैच जो खेला गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट कर रखी है। तो पहला प्लेयर है विनोद रविंद्रन, जिसने 4 मैच में 177 रन बनाए इस टूर्नामेंट के 44 के एवरेज से। अच्छी बैटिंग कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अब्बास गनी, जिसने 4 मैच में 78 रन बनाए, 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। बैटिंग के साथ साथ आपको गेंदबाजी भी दे रहा है, इसलिए यह भी आपके लिए कंपलसरी प्लेयर है, बिल्कुल आपको पिक करना है। उसके बाद है स्टेन आहूजा, जो नंबर 3 पर बैटिंग करना आया था लास्ट मैच में और इस टूर्नामेंट में 4 में से 2 मैच खेला है, 33 रन बनाए। अगर इसी पोजीशन पर खेलेगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है वकार महमूद, 3 मैच में 18 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। नंबर 3 पर बैटिंग करता है, साथ ही आपको 102 ओवरों की गेंदबाजी दे सकता है, तो ट्राई कर सकते हो उसको भी आप। उसके बाद है अली फरासत, जिसने 4 मैच में 71 रन बनाए। अगर बैटिंग ऑर्डर टॉप में रहेगी इसके टॉप 3 या 4 के अंदर तो अपन इसको ट्राई करेंगे, वरना अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है शेख रसिक, जिसने 4 मैच में 117 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है और बहुत तगड़ी फॉर्म में है, ठीक है, और बिल्कुल आपको पिक करना है, ठीक है। इसके बाद है अभितेश प्रसाद, 4 मैच में 34 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। कंपलसरी गेंदबाजी करवा रहा है 2 ओवरों की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है।
उसके बाद है कासिफ शमशेर, चार मैच में 6 ओवर 3 विकेट, यह भी गेंदबाजी करवा रहा है मिडिल ओवर्स में और विकेट टेकर गेंदबाजी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है मैथ्यू एंसवर्थ, जिसने पहले मैच में तो बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं करी लेकिन दूसरे मैच में इसने 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई थी और 2 विकेट लिए, इसलिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मार्क डस फ्रॉन्टाइन, जिसने 4 मैच में 3 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया। इसके बाद है अमल जेकब, जिसने 3 मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई, 0 विकेट लिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है मैथ्यू अंसवर्थ को ट्राई कर सकते हो, कासिफ शमशेर इंपॉर्टेंट है, अभितेज प्रसार को कन्फर्म लेना है, शेख रसिक को कन्फर्म लेना है और अली फरासत, वकार महमूद, इस्टेन अहूजा में से किसी एक प्लेयर को आपको ट्राई करना है और ऊपर के अब्बास गनी और विनोद रविंद्रन आपको दोनों प्लेयर लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं डेमो टीम की, तो यह डेमो टीम है, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन से रविंद्र विनोद लिया है, बैटिंग सेक्शन से सुभावन दाऊजी, अली फरासत, ऋतिक तोमर, ऑलराउंडर सेक्शन से सुभावन दाऊजी, अब्बास गनी, शेख रसीक, ऋतुराज मगारे, आबितेज प्रसार, कासिफ शमशेर, ये 6 प्लेयर लिए और बॉलिंग सेक्शन से हमने एक ही लिया है अब्दुल फार, ठीक है, कैप्टन शेख रसीक, वाइस कैप्टन वी रविंद्रन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड और जो कल से बुल्गारिया की T10 सीरीज स्टार्ट हो रही है उससे रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।